नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु और आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 2007 में परवेज मुशर्रफ ने पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई थी, जिसके बाद 2013 में उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था और अब आज पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। मुशर्रफ ने साल 2007 में पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई थी। बता दें कि मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 में अतिरिक्त संवैधानिक आपातकाल लागू करने का आरोप है। मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को फांसी की सजा दे दी। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ पर 2007 में इमरजेंसी लगाने का आरोप है। 76 वर्षीय परवेज मुशर्रफ इस समय इलाज के लिए दुबई गए हैं, जिसके बाद से वो सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान नहीं लौट रहे हैं। पाकिस्तान की PMLN सरकार ने उनके खिलाफ 2013 में ये मामला दर्ज कराया था। इसके पहले 3 जजों की बेंच ने अपने बयान में कहा कि देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुबई में रह रहे मुशर्रफ को पाकिस्तान सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। पिछले हफ्ते विशेष कोर्ट ने 76 वर्षीय परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में 5 दिसंबर को बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था। इसके बाद मुशर्रफ ने अपने समर्थकों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि वो काफी बीमार हैं और देश आकर बयान नहीं दर्ज करा सकते। फिलहाल परवेज मुशर्रफ अभी दुबई में हैं। अब ये बात देखने लायक होगी कि कब तक परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आते हैं और उन्हें फांसी की सजा मिलती है। देखते रहिए लाइव उत्तराखंड।